Hello everyone, I hope you are learning well with health matters. So we covered important schemes, allocations, state news of November month, and today we will study most important static news points of past 3 months. You know how important static are, means you cannot cover all the required stuff which usually asked in the exam. But if you cover static points which usually came in current news in daily, you will definitely get good marks in exam. So before we start today's lecture, I will want to tell you one story, and that story relates to your static points, है ना? So please read it carefully. The story is Govind organized grand fight in Uttarakhand, fight for Panna, so it kept in middle. Haider Bahadur, Sufi singer Jai, Apna Krish, Haryana ka Sultan came there to fight one another. ओके सो ये स्टोरी है, बेसिकली ये स्टोरी ये है कि गोविंद है, उसने उत्तराखंड में कोई ग्रांड फाइट जो थी वो उसने ऑर्गेनाइज करी, और वो फाइट थी पन्ना को जीतने के लिए. तो जो चीज जीती जाती है, जो जिस चीज को जीतने के लिए फाइट रखी गई थी, वो चीज मिडिल में रख दी गई. मिडिल यहाँ पे है मध्य प्रदेश से, मतलब ठीक है, क्योंकि मिडिल को हम हिंदी में बोलते हैं मध्य प्रदेश, तो मिडिल को हिंदी में बोलते हैं मध्य, तो फिर ये हो गया मिडिल का मध्य प्रदेश, हमने इसको एज्यूम कर लिया है. ठीक है, हैदर हैदराबाद, हैदर बहादुर क्यों लिखा हमें, देखिए हैदर अली आपको पता होगा कि मैसूर का एक बहुत ही मैसूर का सुल्तान था, तो हैदर बहादुर लिखा है. ठीक है, सूफी सिंगर जय, तो सूफी सिंगर जय, जय यहाँ पे है जयपुर से रिलेट करता है. अपना का एपी आंध्र प्रदेश, अपना कृष, ठीक है. हरियाणा का सुल्तान, हरियाणा का सुल्तान मीन्स आप सबने सुल्तान मूवी देखी होगी, तो उसमें जो सुल्तान था वो हरियाणा का था, ठीक है ना, तो हरियाणा का सुल्तान हमने ऐसे रिलेट करा है. ठीक है, अब देखिए ये सब वहां पे फाइट लड़ने के लिए आए एक दूसरे से. ठीक है, अब इसी से हम लोग स्टैटिक पॉइंट्स अपने निकालेंगे, देखते हैं एक एक पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स इससे निकलेंगे सब करंट अफेयर्स में आए हैं, और फिर जब करंट अफेयर्स में आए तो वो एग्जाम्स में भी आएंगे. देखिए हम लोग को एक गलत फहमी है कि स्टैटिक बाहर से आता है, देखिए स्टैटिक आउटसाइड से बहुत ही रेयर आता है, स्टैटिक मोस्टली करंट अफेयर से ही आता है. ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं. पहला लिखा हुआ है गोविंद ऑर्गेनाइज्ड ग्रांड फाइट इन उत्तराखंड. देखिए गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, और वो है कहाँ पे, उत्तराखंड में. ठीक है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, वो है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, वो है उत्तराखंड में. ठीक है, नेक्स्ट है गोविंद ऑर्गेनाइज्ड ग्रांड फाइट इन उत्तराखंड. एक्चुअली ग्रांड है, लेकिन ग्रांट है, और वो ग्रांट क्या है, वो है जॉली ग्रांट. ठीक है ना, वो क्या है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट. जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है ये है देहरादून में, देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड. ठीक है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड में. फिर है फाइट फॉर पन्ना. पन्ना क्या है, पन्ना एक टाइगर रिजर्व है. पन्ना क्या है, पन्ना एक नेशनल टाइगर रिजर्व है, और ये पाया जाता है कहाँ पे, ये है आपका मध्य प्रदेश में. ठीक है, पन्ना टाइगर, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये है मध्य प्रदेश में. ठीक है, ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं हैदर बहादुर. देखिए हैदर मीन्स यहाँ पे क्या है, हैदराबाद से, है ना, और बहादुर क्या है, बहादुर है लाल बहादुर स्टेडियम. लाल बहादुर स्टेडियम न्यूज में आया है, और लाल बहादुर स्टेडियम है आपका हैदराबाद में. ठीक है, तो लाल बहादुर कहाँ पे है, हैदराबाद में. ये भी हो गया. चलिए फिफ्थ देखते हैं. फिफ्थ है सूफी सिंगर जयपुर. ठीक है, सूफी सिंगर जय मतलब जयपुर. तो जो सूफी फेस्टिवल अभी जो हुआ था, ये हुआ था, ये जयपुर में ऑर्गेनाइज करा गया है. ठीक है, तो सूफी फेस्टिवल कहाँ पे है, जयपुर में. जितने भी हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये सूफी सिंगर है यहाँ पे जयपुर से. सिक्स पॉइंट देखते हैं. सिक्स है अपना कृष. देखिए अपना का एपी यानी आंध्र प्रदेश, तो अपना कृष, कृष यहाँ पे है कृष्णापट्टनम पोर्ट से. ठीक है, कृष्णापट्टनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में. तो कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है ये, कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है ये आपका है आंध्र प्रदेश में. ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा का सुल्तान केम देयर टू फाइट वन अनदर. हरियाणा का सुल्तान मतलब सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी है, वो कहाँ पे है, हरियाणा में है. ठीक है, तो देखिए 7 पॉइंट आपके कवर हो गए, और ये सातों में से कोई ना कोई जरूर आएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी न्यूज में चले हैं पूरे. तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, ये है हरियाणा में. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसके अपार्ट फ्रॉम दीज मतलब और कौन कौन से हैं जो न्यूज में रहे हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए कृष्णापट्टनम पोर्ट मैंने बता दिया है, ये है नेल्लौर आंध्र प्रदेश में। दूसरा है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये भी बता दिया मैंने, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तीसरा है लाल बहादुर स्टेडियम, बहादुर मतलब हैदर बहादुर था तो लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ पे है, हैदराबाद में। फोर्थ है डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व ये है मिजोरम में, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिजोरम में है, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। देखिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट मैंने बता दिया है कि एक ग्रांट जो ऑर्गेनाइजेशन था, एक ग्रांट एक ऑर्गेनाइज करा गया था, वो क्या कहाँ पे करा गया था, उत्तराखंड में, है ना, बताया था मैंने अभी। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पे है, देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। सिक्स है पानीपत ऑयल रिफाइनरी। देखिये पानीपत ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे, हरियाणा में। हरियाणा में मैंने भी एक और चीज बताई थी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना। तो हरियाणा में क्या क्या है, पानीपत ऑयल रिफाइनरी और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। चलिए सेवन देखते हैं, पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व। पन्ना कोई मिडिल में रखा था ना जीतने के लिए, तो पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा, ये तो बता दिया। देखिए राइस बाउल ऑफ इंडिया, देखिए दो है, एक है राइस बाउल ऑफ इंडिया और एक है एग बाउल ऑफ इंडिया। तो राइस बाउल ऑफ इंडिया कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, और एग बाउल ऑफ इंडिया कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संगई फेस्टिवल। संगई फेस्टिवल कहाँ पे है, मणिपुर में। संगई फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। संगई फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है, ये करा जाता है मेघालय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सार्क सूफी फेस्टिवल। सार्क सूफी फेस्टिवल जयपुर में सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। ये सब आई थिंक आप लिख रहे होंगे एक जगह, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब पास्ट 2-3 मंथ्स में ही आए हैं, ठीक है। गरीब कल्याण वर्ष, इसकी मैंने आपको स्कीम बताई थी, आपको याद होगा कि हरियाणा ने 2017 को गरीब कल्याण वर्ष माना है, तो गरीब कल्याण वर्ष किससे रिलेट है, हरियाणा से, ठीक है। बथुकम्मा फेस्टिवल, ये है तेलंगाना का, ठीक है। बथुकम्मा फेस्टिवल इज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है तेलंगाना में, ठीक है। श्रमदान मूवमेंट, श्रमदान मूवमेंट ये किससे रिलेट है, ये है पुदुचेरी से, ठीक है। पुदुचेरी को अब नया नाम है, इसके पहले इसका नाम था पांडुचेरी, है ना, अब है श्रमदान मूवमेंट जो है ये पुदुचेरी से रिलेट करता है, ठीक है। जो भी मैंने स्कीम्स हैं, स्टेट न्यूज बताई आपको, उससे मैंने सब एक्सप्लेन करा है, ठीक है। आज मैं स्टैटिक पॉइंट आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। फिर है इंडिया सर्फिंग फेस्टिवल। इंडिया सर्फिंग फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है, कोणार्क में, ठीक है। इंडिया सर्फिंग फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है, कोणार्क में, ठीक है। कला उत्सव, कला उत्सव है न्यू दिल्ली में। कला उत्सव जो एक फेस्टिवल है, कला उत्सव एक फेयर है, आप ये कह सकते हैं कि सेलिब्रेट करा जाता है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अलमट्टी डैम, अलमट्टी डैम कहाँ पे होता है, अलमट्टी डैम कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में, ठीक है। अलमट्टी डैम कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने बताया अभी आपको कि कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, बताया था ना कि कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आंध्र प्रदेश में। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सलीम अली नाम से दो चीजें हैं, एक है बर्ड सेंचुरी और एक है नेशनल पार्क। सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है ये गोवा में, और दोनों ही न्यूज में रहे हैं, ठीक है ना। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गोवा में, और सलीम अली बर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू में, ठीक है, क्योंकि पार्क में जाम कभी कभी लग जाता है ना, तो सलीम अली बर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू से, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सलीम अली बर्ड नेशनल पार्क जम्मू, ठीक है। एग बाउल ऑफ इंडिया मैंने बताया है कि एग बाउल ऑफ इंडिया कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये एग बाउल और राइस बाउल ऑफ इंडिया क्या बताया था, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। इंटरव्यू आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस जंक्शन ऑफ इंडिया। हैप्पीनेस जंक्शन ऑफ इंडिया सोनपुर बिहार को माना गया है, ठीक है। हैप्पीनेस जंक्शन ऑफ इंडिया किसको माना गया है, सोनपुर बिहार को। इमोर्टल बुक किसने ऑथर करी है, ये भी एक मैंने सोचा एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑथर करा है कृष्णा उदय शंकर ने, कृष्णा उदय शंकर ने इसको ऑथर करा है। और एक स्टेडियम और इम्पोर्टेंट है, वो है होलकर स्टेडियम, वो कहाँ पे इंदौर में है, ठीक है। तो ये स्टैटिक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक आपको सब राइट डाउन कर लेने चाहिए, ठीक है। अब ऑल द वेरी बेस्ट, और ये अगर आप एक यूट्यूबर है तो ये एक चीज है जो मुझे हर्ट करी थी, इसने मैंने लिखा है यहाँ पे बाकी आप हमें यूट्यूब पे फॉलो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल।